हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज है दिवाली, तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छे से इस त्योहार को एंजॉय करो, पटाखे जलाओ। लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है इंडिया पोस्ट की तरफ से। स्पोर्ट्स कोटा की रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट के ऊपर आई है, डिफरेंट डिफरेंट सीट्स के ऊपर आई है। किस किस पोस्ट पर आई है अभी हम लोग जस्ट चर्चा करने वाले हैं। टोटल 64 गेम्स जो प्लेयर है ना, उनके लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिटेल वे में इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया है, इंडिया पोस्ट में स्पोर्ट्स कोटा की रिक्रूटमेंट आई है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 1899, मतलब 1899 सीट्स के ऊपर वैकेंसी आई है। अब आप सोच रहे होंगे किस किस गेम के ऊपर आई है। टोटल नंबर ऑफ गेम्स ना 64 है, 64 गेम्स के लिए आई है, उसके स्पोर्ट्स पर्सन अप्लाई करेंगे। अगर आप जानना चाहते हो किन किन स्पोर्ट्स के ऊपर वैकेंसी आई है, तो आप उसका नोटिफिकेशन देख सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैंने उसको पोस्ट कर दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं किन किन जो आपको वैकेंसी है ना, पोस्ट वाइज क्या क्या है। फर्स्ट है आपका पोस्टल असिस्टेंट, सेकेंड है सॉर्टिंग असिस्टेंट, थर्ड पोस्टमैन है, फोर्थ है मेल गार्ड का, एंड फिफ्थ एंड लास्ट है MTS का। तो आइए देख लेते हैं पोस्ट वाइज एज की लिमिट क्या है और क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। पोस्टल असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट है ना, मिनिमम 18 मैक्सिमम 27 इयर्स। सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 27 इयर्स। पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए भी सेम ही है, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 27। MTS की पोस्ट के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 25 इयर्स एज की लिमिट है। आइए अब क्वालिफिकेशन समझा देती हूँ। पोस्टल असिस्टेंट के लिए ना, ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। सॉर्टिंग असिस्टेंट का भी सेम ही है, ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर नॉलेज इनके पास है, वो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए 12th पास आउट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 10th क्लास में। उसके साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और वैलिड लाइसेंस होना चाहिए टू व्हीलर का, लाइट मोटर व्हीकल वाला। तो ये तो रहा पोस्टमैन और मेल गार्ड का। MTS के लिए ना, सिंपली अगर आपने 10th पास आउट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि इस वैकेंसी का जो अप्लाई डेट है वो कब से कब तक रखा गया है। आपका ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 10th ऑफ नवंबर से, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 9 दिसंबर 2023 रहने वाला है। आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जैसे ही आपको अगर टाइम मिलता है, अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, जल्द से जल्द आप फॉर्म अप्लाई कर दो। फॉर्म के जो करेक्शन की डेट है ना फ्रेंड्स, वो आपका 10 दिसंबर से ओपन होगा विंडो, एंड 14 दिसंबर तक आप करेक्शन कर पाओगे। रही बात की फॉर्म के लिए फी क्या रखा गया है, जनरल OBC एंड EWS से 100 रुपीज लिया जाएगा, SC ST से कोई भी फी नहीं ली जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, एक मेरिट लिस्ट बनेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे किस आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगा, चलो मैं आगे आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात की इलिजिबिलिटी में आप सोच रहे होंगे कि सिंपली यहाँ पर ये सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके बाद क्या इलिजिबिलिटी है। आप स्पोर्ट्स पर्सन होने चाहिए, 64 गेम्स के अंतर्गत अगर आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लिया, नेशनल कंपटीशन, नेशनल स्पोर्ट्स और गेम फॉर स्कूल आपने पार्टिसिपेट किया है, फिजिकल इफिशियंसी ड्राइव अगर आपने कंडक्ट किया था, स्टेट यूनियन टेरिटोरीज एंड यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट स्कूल टीम्स से आपने पार्टिसिपेट किया हो, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, इन सब में से किसी भी टूर्नामेंट्स में या आपने कंपटीशन में भाग लिया है, तो आप एलिजिबल हो। हाँ, अब मेरिट लिस्ट बनेगा तो किनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, तो आइए मैं आपको बता देती हूँ मेरिट लिस्ट प्रिफरेंस प्रायोरिटी की, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, कैसे कैसे यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा।
फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी ना इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स को, सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी नेशनल कंपटीशन वालों को, थर्ड मिलेगा इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, फोर्थ नेशनल स्पोर्ट्स और गेम फॉर स्कूल अगर आपने प्ले किया है तो मिलेगा, फिफ्थ मिलता है फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव वालों को, एंड सिक्स एंड लास्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरीज यूनिवर्सिटी और स्टेट स्कूल टीम में अगर आप थे तो आपका फर्स्ट आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आई होप कि आप मेरिट लिस्ट अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब बता देती हूँ कि सिलेक्शन के बाद आपको पोस्ट वाइज ना सैलरी क्या दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, पोस्टल और सॉर्टिंग असिस्टेंट दोनों के लिए लेवल 4 की सैलरी मिलेगी 25,500 रुपीज़ टू 81,100 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी। मतलब जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको 25,500 रुपया पर मंथ का सैलरी मिलता है। आफ्टर पर ईयर इंक्रीमेंट्स, पर्क्स एंड अलाउंसेस, पर मंथ की जो आपको सैलरी होती है ना 81,100 रुपीज़ मिलती है। पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड के लिए आपको लेवल 3 का सैलरी मिलता है, 21,700 रुपया पर महीने की सैलरी रहती है। आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस, आपका हर साल जो सैलरी में इंक्रीमेंट होता है उसके बाद आपकी पर मंथ की सैलरी 69,100 रुपीज हो जाती है। MTS के लिए आपको लेवल 1 की सैलरी मिलती है, पहले ज्वाइनिंग होती है 18,000 रुपया पर महीने से, बाद में आपको सैलरी मिलेगी 56,900 रुपया पर महीने के लिए। सो आई होप कि इंडिया पोस्ट की तरफ से जो ये रिक्रूटमेंट आई है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत, उसकी सारी डिटेल मैंने आपको क्लियरली समझा दी हो, और अगर कहीं पे भी कुछ छूट रहा हो तो इसका नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड करके देख लेना, और चाहो आप तो इसकी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में भी आके पूछ सकते हो। तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो फ्रेंड्स, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे भी जाओ मुझे फॉलो कर लो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो खूब सारा लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी फ्रेश वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।